परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपको धन्य कहते हैं। इससे पहले कि हम आपकी आत्मा के द्वारा उन बातों को सुनें और समझें जो हमारी समझ से परे हैं, चाहते प्रभु हमारे सुनने वाले कान हों और हमारा हृदय आपकी बातों पर लगने पाए, ताकि प्रभु हम आपकी बातों को केवल सुनने वाले नहीं वरन उसको ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से ऐसे फल उत्पन्न हो जिससे आपकी महिमा हो और हमारी पहचान आपके नाम से हो, आपकी आपके गुणों से हमारी पहचान हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 79। आज बाइबल स्टडी अबाउट प्रॉफिट एंड प्रोफेसी। ये एक ऐसा बड़ा विषय है क्योंकि परमेश्वर का पूरा वचन प्रोफेसी है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेसी है, और प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है परमेश्वर के वचन में। इससे पहले कि आप और हम ये समझें कि फॉल्स प्रॉफिट किसे कहते हैं और फॉल्स प्रोफेसी कहां से आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई है और कैसे झूठे और सच्चे मसीह दो झूठे और सच्चे भविष्यवक्ता दो प्रकार के भविष्यवक्ता आए, इस विषय को समझने के लिए हमें भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी को समझना होगा, इसकी स्टडी करनी होगी। जैसे एक असली नोट और नकली नोट में अंतर होता है कि कई बार बैंक वाले भी असली नोट नहीं पहचान सकते, उसके अंदर 19 ऐसे हिडन चीजें होती हैं जो केवल टकसाल में, यानी जो जहां पे छपता है नोट नासिक, वहां पर भेजा जाता है। जब बैंक मैनेजर और जो हेड कैशियर होता है, ये लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं उस नोट को लेकर कि ये असली है कि नकली, कंफर्म नहीं होता, उसको कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है नासिक। वहां से वो पूरी रिपोर्ट लग के आती है और ये पता बता दिया जाता है कि ये असली है कि नकली, वो फाइनल रिपोर्ट मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से असली और नकली, ट्रू प्रॉफिट और फॉल्स प्रॉफिट, इसको पहचानने के लिए जो तरीका है वो ये है कि जो लोग कैश डील करते हैं बैंक्स में, उनको असली नोट की पहचान कराने के लिए उनको मैक्सिमम टाइम पे जो डीलिंग मिलती है वो असली नोटों से डीलिंग कराई जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, ताकि वो हर समय असली नोट को छुए भी उस वो उनकी नजर से निकले, तो हाथ से स्पर्श करके भी, आंखों से भी, और उसको डील करते करते उनका इतना हार्ट सेट हो जाता है और उनके उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है असली की कि जैसे ही उसमें से नकली आता तो उनके हाथ भी पकड़ में आ जाता कि ये नकली। ठीक वैसे ही ये वाला विषय है प्रॉफिट, ट्रू एंड फॉल्स प्रोफेसी, ट्रू एंड फॉल्स। इसको समझने के लिए हमें ओरिजिनल को ज्यादा समझना पड़ेगा, ओरिजिनल को हम समझेंगे तभी हम उस गलत को समझ पाएंगे। जब कोई व्यक्ति गलत शिक्षा का शिकार हो जाता है, एक बार गलत शिक्षा में वो उसका माइंड में गलत शिक्षा आ जाती है, फिर उसके सामने आप सच्ची शिक्षा कितनी भी रख दो, कितना भी खोल दो, वो शिक्षा ग्रहण योग्य नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से जो गलत आ गई तो उसका जो मेजरमेंट है, जो उसको उसका जो क्या बोलेंगे उसको उसको डिसर्न करने के लिए जो चीजें चाहिए उसके पास पहले से गलत मानक आ गए हैं, गलत पैरामीटर्स हो गए, इसलिए वो उसको करेक्ट को या सही को कभी भी समझ नहीं पाएगा और उसको उसको कभी भी ये नहीं समझ में आएगा कि सही है क्या। प्रॉफिट मींस, भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मींस वन हु अटर्स डिवाइन इंस्पायर्ड रेवलेशन। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से प्रेरित प्रकाशन की बातों को बोलता है उसको कहते हैं प्रॉफिट, और उसके मुंह से निकला वो प्रकाशन प्रोफेसी है। निर्गमन की पुस्तक 4:12। अब जा पौलुस, परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया तो मूसा से परमेश्वर ने कहा अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे बताता जाऊंगा। नहीं लिखा, परमेश्वर जो सच्चा प्रॉफिट होता है ना,
वो परमेश्वर की आत्मा उसके साथ साथ होती है और वो उसको सिखाती जाती है कि उसको बोलना क्या है और कैसे बोलना है, क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना, हर चीज। यानी दिस इज अ टीचिंग पार्ट, मैं तुम्हें सिखलाता जाऊंगा। इसके बाद दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र यानी बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यानी ये इंटरप्रिटेशन किसी का अपना प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता इसका, ये बहुत बड़ा हमको सबूत मिल रहा है जी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन। देखिए ये पास्टर्स नहीं थे, ये बिशप्स नहीं थे, ये जो लोग भविष्यवक्ता थे ये कुछ भी नहीं थे, और इनका मंदिर से कोई संबंध नहीं था। ये बहुत समझने वाली चीज है, ये अगर आपको ये मानक मिल गए तो आप फटाफट पहचानेंगे जी, कोई किसी भी मनुष्य की विचारधारा पे पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य के ओर से कभी हुई नहीं, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से, यानी जो प्रोफेसी है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैसेज आता था और मुंह से निकलता था, अटरेंस है ये, अटरेंस जो मैंने पहली बात लिखी है ये इसकी ये इसका आधार है। भविष्य वक्ता का आधार क्या है? अ डिवाइन इंस्पायर्ड रेवलेशन मुख से निकलने लगना, और ये मनुष्य की ओर से कभी नहीं होगा, ये होता हमेशा परमेश्वर की ओर से। तो भविष्य वक्ता जिसे कहते हैं, वो भविष्य वक्ता कोई भी व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है आज के युग में कि मैं भविष्य वक्ता हूं। कोई भी संस्था ढेर सारे लोगों को डिक्लेयर करेगी हमारे यहाँ ये भविष्य वक्ता है, लेकिन परमेश्वर जिसको भविष्यवक्ता घोषित करता, परमेश्वर उसके साथ होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। दूसरी बात, भविष्यवक्ता के विषय में अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में जाके देखें, तीन डिवाइन ऑफिसेज हैं जिसमें से प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, ये तीन थे, राजा और याजक और भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता राजा को भी परमेश्वर को जब करेक्ट करना होता था, राजा गलत कर रहा है तो भविष्यवक्ता के द्वारा करता था, ये माउथ पीस ऑफ गॉड है, और याजक भी गलत करता था तो भविष्यवक्ता याजक को भी करेक्ट करता था। यानी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर याजक को भी करेक्ट करता था और राजा को भी करेक्ट करता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। याजक कहां पे रहता था? मंदिर में। तो मंदिर वाले भाग में किसका काम था? याजक का। और शासन करता था पॉलिटिकल विंग में राजा, तो राजा को करेक्ट करना होता तो याजक करेक्ट करता था, और याजक को करेक्ट करना होता था तो धर्म के स्थान में भी दुष्टता और संसार में न्याय के स्थान में दुष्टता, ये दोनों जगह, राजा और याजक दोनों के जगह पे दुष्टता कहां से आ गई? क्योंकि प्रॉफिट का काम जैसे ही रुक गया, फॉल्स प्रॉफिट का काम, ये लोग फॉल्स प्रॉफिट की सुनने लगे दोनों भी, तो क्या हुआ? करप्शन बढ़ गया। अब आप देखिए, ये हम स्पिरिचुअली बता रहे हैं बाइबल से, प्रॉफिट इज अ पर्सन चोजन बाय गॉड। ये प्रॉफिट किस, कौन चुनता था प्रॉफिट को? कोई संस्था नहीं चुनती थी, ना राजा चुनता था, ना सब लोग। और मालूम है, एक टाइम इतिहास में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सब लोग अपने अपने भविष्यवक्ता चुनने लगे थे, सबके अपने, हर राजा का अपना भविष्यवक्ता था, हर राज्य का अपना भविष्यवक्ता था, हर व्यक्ति। फिर आने वाले समय में और ज्यादा डिवीजन हुआ तो हर समुदाय के अपने अपने भविष्यवक्ता हो गए, और वही आज देखिए चीजें डेवलप हो गई है। चूजन बाय गॉड एज अ माउथ पीस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का मुख बन के आता था परमेश्वर की बातें लोगों को बताने के लिए। He is the messenger of God, ये परमेश्वर का दूत हुआ करता था। He is appointed from God to proclaim the message from God. Proclaim का मतलब होता आधिकारिक घोषणा करना, परमेश्वर की योजनाओं की, परमेश्वर की ओर से जो भी बातें मनुष्यों तक पहुंचनी आधिकारिक तौर पर, वो आधिकारिक तौर पर पहुंचाने का काम प्रॉफिट करता था, भविष्यवक्ता के द्वारा ये काम होता था। इसलिए ये परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। प्रॉफिट आल्सो टीचेस ट्रुथ एंड, और ये जो भविष्यवक्ता होते थे ये सत्य सिखाते थे,
इनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, ये रिलीजियस टीचिंग नहीं देते थे, ये सत्य बताते थे। एंड इंटरप्रेट्स द वर्ड, और परमेश्वर की जो वो डिवाइन मैसेज होते थे उनको इंटरप्रेट करने का काम करते थे, यानी प्रकाशन को इंटरप्रेट करते थे। इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का इंटरप्रिटेशन करते थे। ही कॉल्स द अनराइचस टू रिपेंटेंस, और ये भविष्यवक्ताओं का मेन काम था कि जो अधर्मी लोग होते थे उनको मन फिराव के लिए प्रेरित करते थे कि देखो तुम गलत कर रहे हो, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, इसलिए तुम मन फिराओ। तो ये मन फिराव के लिए उनको प्रेरित करते थे। ही ऑल्सो वॉर्न्स अबाउट फ्यूचर, और भविष्य के विषय में लोगों को सावधान करते थे, वार्निंग देते थे। भविष्यवक्ता का जो मेन काम था वो लोगों को अधर्म के बारे में सचेत करना ताकि वो मन फिराएं, और भविष्य के बारे में उनको बताना कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो ये होगा। ये उनकी मिनिस्ट्री थी। आमोस की पुस्तक 3:7 पढ़िए मेरे लिए। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए, परमेश्वर कभी भी डायरेक्टली कोई एक्शन मनुष्यों में नहीं करेगा जब तक कि वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को पहले वो चीज की मैसेज ना कर दे, बता ना दे कि ये होने जा रहा है, सावधान। जिन लोगों को वो मैसेज दिया जाता है अगर वो लोग उस मैसेज को रिजेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट उसके रडार पे आ जाते हैं, और जो लोग उस मैसेज को सीरियसली रिसीव करते हैं और वहां पर अपने जीवन को करेक्ट करते हैं उनके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। जी, ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को देखेंगे हम धीरे धीरे करके न्यू टेस्टमेंट प्रॉफिट्स तक जाएंगे ताकि आपको यह पता चले कि ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट और न्यू टेस्टमेंट प्रॉफिट्स में अंतर क्या है। एक्चुअल में आपकी जानकारी के लिए अभी हम जरा सा आपको बताते हैं कि न्यू टेस्टमेंट में प्रॉफिट नाम की कोई चीज है नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट खत्म हो गया, प्रॉफिट ऑफिस यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया, ठीक। लेकिन फिर भी हमको ये जड़ मालूम होनी चाहिए प्रॉफिट की। ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स लार्जली एडवाइज द किंग्स, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ताओं ने बड़े पैमाने पर राजाओं को सलाह दी, ये राजाओं को सलाह देते थे, चेतावनी देते थे, हैं, वार्निंग्स, डिवाइन गाइडेंस, और उनको उनका ईश्वरीय मार्गदर्शन करते थे, हैं, ईश्वरीय डिवाइन गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट, और उनको प्रोत्साहित करते थे सही करने के लिए कि हाँ ये तुमको करना चाहिए। दूसरा सैमुएल 12:7 उसका 7-10 तक पढ़ दीजिए। तब नातान एक भविष्यवक्ता है, प्रॉफेट है। तब नातान ने, दाऊद एक राजा है, दाऊद से कहा तू ही वो मनुष्य है इज़राइल का परमेश्वर, यहोवा यूं कहता है मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि वो थोड़ा था, परमेश्वर उससे दाऊद से कहने लगा मैं तुझे अभी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन एक पूरी पुरानी कहावत है ना कि थोड़ा सा पाके इंसान आपे से बाहर हो जाता है, यही वाली बात हुई। पर तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा था। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, ये इसने किया था जी, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी। पनिशमेंट ये थी क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर
हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। परमेश्वर नाराज हो गया था, बहुत नाराज हो गया था, गलत है जी। अब आप इसको घर में पढ़िएगा, 12 अध्याय, दूसरा सैमुएल 12 अध्याय। नाथान नबी आता है, पहले उससे दर्शन की बात करता है, उस दर्शन को फिर ये दूसरे भाग में खोलता है कि वो व्यक्ति तू ही है। उसके बाद फिर इसका दूसरा भाग है, हित्ती उरिया की पत्नी और दाऊद से एक बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा जिंदा नहीं बचा था। हालांकि आप जब उसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दाऊद जब वो बच्चा मरने पर था, दाऊद ने कुछ नहीं खाया कई दिन तक, कहने लगा नहीं, और केवल ये परमेश्वर से कहता रहा, प्रार्थना करता रहा, इसको जीवन दे दे, इसको चंगा कर दे, इसको जीवन दे दे, इसको चंगा कर दे। परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। चाहे राजा, वो अभिषिक्त व्यक्ति था, अभिषिक्त व्यक्ति, बाइबल बताती है परमेश्वर अभिषिक्त की सुनता है। लेकिन अभिषिक्त भी अगर पाप कर सकता है, इसका मतलब अभिषिक्त आदमी भी पाप कर सकता है, अनॉइंटेड पर्सन भी पाप कर सकता है, और अनॉइंटेड पर्सन जब पाप करता है तो परमेश्वर बिल्कुल उसकी नहीं सुनता है, और उसकी उसने नहीं सुनी, वो बच्चा मर गया। उसके बाद सुलेमान पैदा हुआ था। ये इस तरीके से परमेश्वर का वचन हम लोगों को ये दिखा रहा है, इतिहास हमको बहुत कुछ दिखाता है कि परमेश्वर उन राजाओं को जिन्हें परमेश्वर खुद सुनता था, परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा था मेरा दिल पसंद शख्स है, मेरा परमेश्वर ने चुना था इसे, और इसने क्योंकि स्वभाव किसका था, एडमिक नेचर ऐसा ही करता है। परमेश्वर ने यहां पर हम लोगों के लिए क्या रखा है, इसको राजा होने के बावजूद भविष्यवक्ता के द्वारा राजा का अभिषेक भी होता था और भविष्यवक्ता के द्वारा राजा को डांट भी पड़ती थी, उसको वो मैसेज भेजता था, परमेश्वर उसी के मुख से बात करता था। इन द 8th century BC यानी 8 BC में द फोकस ऑफ द प्रॉफिट्स मैसेज टर्न्ड मोर टू द पीपल एट लार्ज, यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भविष्यवक्ता के संदेश का ध्यान बड़े पैमाने पर लोगों की ओर गया। पहले ये राजाओं के लिए सिर्फ राजाओं को मैसेज करते थे, राजाओं को करेक्ट करते थे, राजाओं का मार्गदर्शन करते थे परमेश्वर की ओर से, लेकिन 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व भविष्यवक्ताओं के संदेश का ध्यान बड़े पैमाने पर लोगों की ओर गया। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को केवल भविष्य की भविष्यवाणी करना ही करना ही एक भूल होगी, यानी यहां पर जैसे लिखा हुआ है ना कि अ मिस्टेक टू थिंक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट्स एज ओनली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, यानी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का मतलब ये नहीं था कि वो केवल आपको भविष्य बताने के लिए है। लोग अक्सर मालूम है आते क्या कहते हैं, भैया बताइए हमारा भविष्य बता दीजिए। हमारे देश में ये वाली बड़ी खास बात है कि लोग अपना भविष्य जानने के लिए भविष्यवक्ता ढूंढते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता को भविष्य जानने के लिए मत ढूंढो, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता आपको झूठ बता देगा और आप उसको खुश होकर चले आओगे लेकिन वो होगा नहीं, और सच्चा भविष्यवक्ता आपको भविष्य आपके भविष्य को नहीं बताता है, वो आपको सही मार्ग बता सकता है, भविष्य नहीं बता सकता है। ओनली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, देयर प्राइमरी रोल वॉज टू मेक नोन द होलीनेस ऑफ गॉड, यानी उनका प्राथमिक काम क्या था, पहला काम क्या था भविष्यवक्ताओं का, के लोगों को यह बताएं कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में उनको बताना था लोगों को, एंड द कोवेनेंट ऑब्लिगेशंस, यानी परमेश्वर की जो वो थे आज्ञाएं थी, हाँ, प्राथमिक भूमिका परमेश्वर की पवित्रता और वाचा के दायित्वों को बताना था कि उनको क्या करना है, परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दी है उसका पालन करना है। टू डिनाउंस इनजस्टिस, यानी अन्याय, मूर्ति पूजा और खाली कर्म कांड की निंदा करना, और परमेश्वर की वाचा के लोगों यानी इज़राइल को पश्चाताप और विश्वास योग्यता के लिए बुलाना था। यह था भविष्यवक्ताओं का काम पुराने नियम में। भविष्यवक्ताओं को यह अधिकार ही नहीं था कि लोगों को जाके आशीष दे दो, वो परमेश्वर का मुख था, परमेश्वर उनके द्वारा लोगों से बात करता था, और परमेश्वर लोगों को हमेशा करेक्शन की बात करता था। भविष्यवक्ताओं ने जितनी भी बातें लिखी वो सब करेक्शन वाली हैं, सब हार्ड लैंग्वेज है, और ये हार्ड लैंग्वेज परमेश्वर की ओर से थी। रिपेंटेंस एंड फेथफुलनेस, दे ऑल्सो प्रोक्लेम द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड हिज किंगडम, ये मैसियनिक प्रॉफिट्स थे जो मसीह के आने का और उसके राज्य के आने का लोगों को पहले से बताते थे, इसराइलियों को प्रचार करते थे। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 1-7 पद,
तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबुलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार के अन्य जातियों के गलील की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जी, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। ये प्रोफेटिक अटेंडेंस है। जी, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये मालूम किसके बारे में बताइए? यीशु मसीह की पैदाइश और उसके राज्य, यानी क्राइस्ट एंड हिज किंगडम, ये उसके बारे में भविष्यवाणी उस जमाने में कर दी गई थी। बहुत इसके टाइमिंग भी आप निकाल सकते हैं, किस बीसी में किस समय हुआ था, किस बीसी में ये हुआ। और इस भविष्यवाणी के बाद से ये लोग बार बार मेसियानिक प्रोफेसीज करते थे, शांति का राजा, सत्य का मार्ग। देखिए, वहां पर रिलीजन हट गया और वे बिल्कुल ट्रुथ की बात करने लगे। ये ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स की जिम्मेदारी थी लोगों तक इसराइल, लेकिन इसराइलियों ने अपने लिए अलग अपने मन के मुताबिक चुन रखे थे, वो उनकी सुनते थे। इसलिए जब यीशु मसीह आया तो वो उसे पहचान नहीं पाए, और सब कुछ उनके पास रिकॉर्ड्स थे, प्रोफेसीज के सब बुक्स थी, लेकिन उसके बावजूद वो उसको नहीं पहचाने और उसको ग्रहण नहीं किया। अब देखिए, बीइंग अ माउथ पीस फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वॉज ऑफन अ डेंजरस कॉलिंग। मालूम है आपको, परमेश्वर का मुख बनने का खतरा, खतरनाक एक ये ऐसी खतरनाक कॉलिंग है कि इस कॉलिंग को जल्दी लोग रिसीव नहीं करते। मालूम क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से आप कुछ बोलेंगे तो लोगों का रिएक्शन याद रखिएगा, पहली चीज तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरी बात वो आपको मार डालेंगे, क्योंकि ट्रुथ कोई सुनना नहीं चाहता है, और ट्रुथ बोलो तो उन्हें लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ बोल रहा है, और वो आपको मार देंगे। ये डेंजरस कॉलिंग है। पीपल फ्रीक्वेंटली मॉक्ड, यानी लोग फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है यानी निरंतर,
ऐसे भविष्यवक्ताओं पर बहुत बुरी तरीके से उनको रिजेक्ट करते थे और उनको उनकी उनकी हंसी उड़ाते थे, मॉक का मतलब उनका ठट्टा उड़ाते थे, उन्हें रिजेक्ट करते थे, उन्हें सताते थे, एंड इवन किल्ड गॉड्स प्रॉफिट्स, और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार डालते थे। आप जानना चाहेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास 36 अध्याय 15-16 पद पढ़िए। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से यानी भविष्यवक्ताओं से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था जी, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों को नबियों की हंसी उड़ाते थे जी। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का, अब ये बताइए परमेश्वर का क्रोध कैसे बढ़ा? उस जमाने से बढ़ा हुआ है, अभी तो बहुत भयानक हो गया है। इसी को रोथ बोलते हैं, विनाशकारी क्रोध है इस समय। मालूम क्यों? निरंतर लोग परमेश्वर के जो सच्चे बात पहुंचा रहे लोगों तक, उनका मजाक उड़ रहा है, उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, उनको बहिष्कार किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और ये परमेश्वर, देखिए, अगर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं और आप अपने किसी मैसेंजर को कोई बात किसी को पहुंचाए और आपके मैसेंजर की बेइज्जती हो रही है, तो वो मैसेंजर की नहीं हो रही है, वो आपकी बेइज्जती हो रही है कि आपको, आपके मैसेज को और मैसेंजर दोनों को आप वो नष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपको वो दिखा रहे, मुंह चिढ़ा रहे कि देखो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। यही चीज परमेश्वर को गुस्सा दिलाती है। और इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए, यर्मिया नबी की पुस्तक 18 अध्याय का 18 पद। तब वे कहने लगे, चलो यर्मिया के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यवक्ता से, ना वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दे। देखिए, किसी का परमेश्वर के वचन का निरादर मालूम कैसे होता है? आप सुन के इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, ये सबसे बड़ा निरादर। ये किसका निरादर है? ये मेरा नहीं है, ये उसका है, जिस राजाओं के राजा का वचन लेकर खड़े उसका निरादर करना है। आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं। 20 अध्याय का 2 पद। तब पशहूर ने यर्मिया भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में जकड़ दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। देखिए, जितने सच्चे भविष्यवक्ता हुए हैं पुराने नियम से, आप शुरू से उठा के देख लीजिए, एक को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये झूठे भविष्यवक्ता कैसे आ गए, कैसे इनकी संख्या बढ़ गई? लोग जो पसंद कर रहे थे, लोगों ने अपने अपने उनको प्रमोट किया, उनकी बड़ी बढ़ाई, उनका बड़ा नाम, नेम, फेम, मनी उन्हीं के पास मिलेगा जो झूठे हैं। सच्चे की कोई पहचान नहीं, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा है भी कि नहीं है। ये आपको, ये प्रवचन हमको दिखा रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट पवित्र शास्त्र हमें दिखा रहा है। स्टीफन द फर्स्ट मार्टर ऑफ द न्यू कोवेनेंट, जो पहले नए नियम का जो पहला शहीद हुआ था व्यक्ति, उसका नाम है स्टीफन द न्यू कोवेनेंट। पॉइंटेडली आस्क्ड, उसने एकदम गहरा यानी एकदम चुभने वाला सवाल किया था। उस जमाने में यहूदी लोग थे, उनसे चुभने वाला सवाल किया था। प्रेरितों काम 7 अध्याय 51-52 और 53 पद। हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। देखिए कितने गुस्से में बोला, या ये स्टीफन गुस्सा कर रहा है कि ये परमेश्वर का आत्मा जो उसमें से बात कर रहा है।
एक्सप्रेशन किसका था? परमेश्वर की आत्मा का एक्सप्रेशन था। हे हटीले लोगों, ये वाली लैंग्वेज परमेश्वर की हो सकती है जी? जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्य वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस किस धर्मी के पुराने नियम में जो सच्चे भविष्यवक्ता थे उनकी उनकी गवाही दे रहा है कि उन्होंने उस धर्मी के आने का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले। यीशु मसीह को पकड़वाने वाले मार डालने वालों में तुम लोग शामिल हो। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था फेल हो गई थी। यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि व्यवस्था फेल हो गई थी। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ये वारिस है, तुम जाओ, शायद तुम्हारी सुनेंगे। उसे भी मार डाला क्योंकि पहले वो आया प्रॉफिट ऑफिस में। प्रॉफिट जो होता है वो किंग से ऊपर होता है और प्रीस्ट से भी ऊपर होता है। आपको मालूम है यीशु मसीह से वो लोग जब पूछते थे किस अधिकार से काम करता है, मुझे तो लगता है उसको अंदर से गुस्सा आ जाता होगा कि मुझसे पूछ रहे लेकिन वो फिर कुछ करता नहीं था। यानी उसने अपने मनुष्य होने के बावजूद उसने अपने आप स्वभाव पे कितना काबू पाया। देखिए अब इसके साथ एक पद और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 6:26। हाय तुम पर, हाय का मतलब क्या होता है? श्रापित हो तुम। हाय का मतलब है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वो अनटू यू, यानी श्रापित हो तुम जब सब मनुष्य, जब अगर सब लोग पूरे यानी मैक्सिमम लोग आपको भला कहने लगे तुम श्रापित हो, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्य वक्ताओं के साथ। इसका मतलब हमको यहां से ये लाइट मिली कि झूठे भविष्य वक्ताओं के पास नेम फेम बहुत था। ज्यादातर लोग उनकी तारीफ करते थे, उनके मुरीद थे, उनके फैन थे, उनके उनकी फॉलोइंग बहुत लंबी चौड़ी थी और लोग उनको कहते थे अरे तुम क्या हो, देखो वो है उनको। ये फैन फॉलोइंग जो है इस बात को दिखा रही है झूठे नबी को पहचान। अब बताइए आप पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? फैन फॉलोइंग से पहचान सकते हैं। जिसको आप ऊंचे पर देख लें और आलीशान और खूब बड़ाई तारीफ और लोगों की भीड़ मेजोरिटी पीपल उनके साथ, समझ जाइए झूठा। कभी सच्चा नहीं होगा। सच्चे को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इतना हार्ड होता है। हम लोगों को यहां से लाइट मिलती है जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको ले जाके दिखाता है। परमेश्वर की पवित्रता ज्यादा लोग नहीं फॉलो करेंगे और ज्यादा लोग पवित्र हो ही नहीं सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले लिखित वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और धन्यवाद करते हैं इन दोनों चीजों को हम तक पहुंचने का कारण है प्रभु यीशु मसीह। अगर उसकी कुर्बानी ना होती और हमने उस कुर्बानी को ग्रहण ना किया होता तो प्रभु ने हमें ना ग्रहण किया होता, और आज उसने हमें ग्रहण किया है। यह हमारे लिए धन्यवाद का विषय है क्योंकि प्रभु ने हमें हमारी अयोग्यता, हम अयोग्य थे, अयोग्य है और अयोग्य रहेंगे। हम अयोग्य लोगों को इसलिए चुना है ताकि योग्य लोगों को वो अपनी महिमा दिखा सके। इसलिए हमें दीनता और नम्रता से प्रभु के अधीन रहकर उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरी होने देना है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और आपके कार्य भी अद्भुत हैं, आपका प्रेम महान है। आपने प्रभु अपने हम सबों से पापियों से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा पापियों को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा का कारण बनाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये आप ही कर सकते हैं। और आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाता दिखाता और हमारे आत्मिक जीवन में हमारी अगुवाई करता है ताकि हमारा आत्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो, ताकि हमारी पहचान मसीह के तरफ से हो, हमारी अपनी कोई पहचान ना हो और उसका नाम महिमा पाए और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसका राज्य बढ़े और हम उसके राज्य में बढ़ें और उसकी महिमा कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।